Hi guys, so we are very happy that today Sakshi Gupta has come to share her feedback of GS Prime program. She has cleared multiple interviews in PwC India. Later also she took our help and she got cleared a lot of multiple interviews, TR Chadha, RSM India, and Acropro Consulting, Infosys as well. There's a lot of interviews she has cleared. So she will be sharing her experiences about the program also and why you should take it. Yes, Sakshi, all up to you here. Yeah. So hello, sir. I'm a chartered accountant. So like when I become chartered accountant, उस टाइम मैंने जॉब ज्वाइन नहीं करी थी, तो मेरा जैसे 5-6 months का गैप था. मैं कुछ और भी फर्दर स्टडीज कर रही थी, तो बट फिर कुछ वो हुआ नहीं. तो फिर मैंने क्या कि अब मैं अपना सीए प्रोफेशनल करियर ही ज्वाइन करती हूँ. बट जैसे लाइक 6 months गैप भी हो गया था, तो उस टाइम फिर जब मैंने जॉब्स वगैरह सर्च करना स्टार्ट किया तो हो रहा था ठीक है. मतलब कॉल्स कुछ आ रहे थे जहाँ से भी, बट जैसे क्रैक नहीं हो पा रहा था कि शायद कुछ लैक हो रहा था, कुछ तो था. और हमें अपनी कमियां कैसे पता चलेगी, मतलब वो सामने वाले इंटरव्यूअर तो इतना कोई हमें फीडबैक देगा नहीं कि हाँ आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है. तो हम बस खुद देते जाओ और जो समझ आए. तो फिर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, लाइक डिप्रेस, कि कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है. कितना इंटरव्यू में तो आपको जैसे मैं दिक्कत आया था लिंक वैसे? कितना इंटरव्यू में दिक्कत हो रहा था ऐसे? कितना इंटरव्यू में दिक्कत आ रहा था लाइक? तो इंटरव्यू जैसे मैंने दिए थे, मैंने पायरियन दिया था और एक इंडस टावर दिया था और एक दो सीए फर्म्स का और दिया था. तो वो सब थोड़ा मुश्किल हो रहा था. एक बैंक अभी दिया था, उसमें भी नहीं हो पाया था. तो फिर जैसे लिंक्डइन पे हम जॉब सर्च करते रहते हैं जैसे, तो फिर उसी के थ्रू मुझे आपका भी पता चला. लिंक्डइन के थ्रू ही मैंने देखा, तो फिर मैंने फिर आपके बारे में मतलब इंक्वायरी की और फिर मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया. फिर जैसे आपने बोला था कि जब फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी, जब आपने पूरा बता दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको कौन सी प्रोफाइल में जाना है, आपने थोड़ी क्लैरिटी दी कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस में क्या पढ़ना चाहिए. क्योंकि मटेरियल तो इतना सारा होता है, बट आपको क्या पढ़ना चाहिए और इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए, तो ये चीजें नहीं आ पाती है. तो फिर आपने वो दिया और मैंने फिर 1 हफ्ता उसको फॉलो किया. एंड देन जैसे फिर आप हर सैटरडे संडे सेशंस लेते थे, तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया. और सर आपके प्रोग्राम की बात अच्छी लगी कि आप वन यू नहीं है कि सबसे आप 1-to-1 सबसे आंसर्स पूछते थे. ये हाँ ये तो हम नहीं कि करते हैं। आपने खुद बोली क्या, हाँ ठीक है आप सब याद कर लेना और बोल देना, ऐसा नहीं. आप सबसे अभी बुलवाते हम थे, आप डेली कर दिया सबको प्रैक्टिस. सेशंस। आपका टाइम है फिर भी मेरा फुल टाइम नहीं था। अभी हमने फिर भी मंडे हाँ टू संडे ही हम रखते हैं सेशंस वगैरह, तो और भी ज्यादा मेरे को टाइम मिल जाता है ज्यादा टाइम देने का। तो सैटरडे संडे ही देते थे टाइम। सैटरडे को भी होता था कि लंबा सेशन रखते थे, इट हाँ मीन्स काफी 3-4, उस टाइम भी 3-4 आवर्स का हो जाता था तो मैं सेशन. आपको 3-4 आवर सेशन में दिख रहा है मेरा, 1-to-1 बात भी होता है कितना, वो कोई का हाँ कैलकुलेट ही नहीं वही कर वही पाएगा। वो मेरे पास बहुत आता है। आपका कॉल आया मेरे पास, जब भी किसी का कॉल आता है मैं फोन बगल में रहता है, तो हर समय सुबह शाम हमको एटलीस्ट अलार्म लगाने का दरकार नहीं पड़ता है। सुबह हमको मिट्टी जगा देता है कोई में फोन करके। ये चीज अच्छा है। सर वही है, जैसे कोई भी इंटरव्यू कॉल आता था तो मैं जैसे ही आपसे पूछ लेती थी कि सर ये इंटरव्यू आया है, आप क्वेश्चंस मतलब बता कि जैसे होता है ना, आपको भी नॉलेज है कि इनमें क्या क्वेश्चंस पूछते हैं. फिर आप हमें मतलब रिवर्ट कर देते थे कि ये आप पढ़ लो. तो उससे भी काफी हेल्पफुल हुई कि आपने ऐसे बताया, पूरा गाइड किया. तो मैं जैसे जैसे मॉक इंटरव्यूज मैंने उनको फॉलो करते गए. और आपने जैसे नौकरी लिंक्डइन क्या आपने बताया कि आप ऐसे कस्टमाइज कर लो अपनी वो प्रोफाइल्स, तो उसके थ्रू भी मुझे काफी कॉल्स आए थे. तो जैसे मेरा काफी जगह क्लियर हो गया था, जैसे केपीएमजी ग्लोबल भी हो गया था मेरा. बट जैसे कई बार लोकेशन इश्यूज आ जाते हैं, जैसे इन्फोसिस में भी मैंने आपसे पूछा था कि आपने बोला कि ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब पढ़ लेना, एंड दे रियली आस्क्ड मी अबाउट दैट ओनली. जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल्स तो पढ़ ही जाना, तो उन्होंने लिटरली वो रेवेन्यू वगैरह पूछा मुझसे, तो वो थोड़ा मुझे हेल्पफुल हुआ. इन्फोसिस में भी हो गया था क्लियर, बट फिर वो लोकेशन इशू का हुआ तो मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाई. पीडब्ल्यूसी तो इंडिया मल्टीपल इंटरव्यूज में हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आदमी होता है एक इंटरव्यू है हम कर देते हैं बस, किसका कितना है। और अभी भी आपका कई पर होगा, अभी भी हम हेल्प कर देते हैं, बस है कि कर ही देते हैं बस। हाँ
सामने वाला आया है तो। पीडब्ल्यूसी इंडिया में भी हो गया था, मेरा एक जीटी में भी फर्स्ट क्लियर तो हो गया था, सेकंड राउंड में ये थोड़ा इश्यू आ गया कि जो मुझे प्रोफाइल चाहिए थी वो थी नहीं, तो उन्होंने फिर मैंने मना ही हो गया था, मतलब उन्होंने बोला कि आपको ये प्रोफाइल नहीं चाहिए, तो फिर आगे वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया नहीं, तो बाकी जीटी में भी फर्स्ट क्लियर तो हो ही गया था राउंड। तो मतलब ऐसे करके करके मेरे पास काफी फिर अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, मतलब काफी बड़ी बड़ी एक्यू प्रो कंसल्टिंग, टीआर चड्डा। एक्यूप्रो में भी हुआ। मुझे इनफैक्ट एसेंचर से भी कॉल आया था फॉर इंटरव्यू 2 टाइम्स आया था, मुझे जीटी इंडिया से भी आया था स्टैट ऑडिट का, जैसे आपने बोला ना कि ऊपर से एसएल कॉल सब हम अप्लाई लोग के हेल्प लिए कर देता है, कॉल वॉल हम लोग का वही कांटेक्ट भी आपको आपने, मिल जाता है, कांटेक्ट भी हाँ यहाँ पर आपने ही मिल जाता कांटेक्ट है आपको। किए हाँ थे उससे आया था, बट मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो फिर मुंबई लोकेशन थी, तो मुंबई मुझे जाना नहीं था, तो इस वजह से मैंने दिए नहीं थे, बाकी मुझे वहां से भी कॉल्स आए थे। तो सर जैसे आपका ज्वाइन करने के बाद तो मैंने ये नोटिस किया कि मतलब मोस्ट ऑफ पहले जो इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे थे कुछ, उसके बाद में लिटरली जो अपॉर्चुनिटी आती थी ऑलमोस्ट हो ही जाता था उनमें क्लियर इंटरव्यूज, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में हो ही हो, जैसे जैसे इंटरव्यूज कॉल आ रहे थे मैं देती जा रही थी आपकी हेल्प से प्रिपेयर करके, और वो क्लियर होते जा रहे थे, अच्छा तो इस अकॉर्डिंग मतलब फिर मेरी जॉब फाइनली लग ही गई। भी आप आरएसएम में हो, लाइक तो आरएसएम का क्या वर्किंग कल्चर रहता है, लाइक टाइमिंग एंड ऑल? सर आरएसएम इंडिया में मतलब वैसे तो पूरा वर्क लाइफ बैलेंस प्रमोट करते हैं वो लोग, वर्किंग जैसे रहता है 10 to 6:30, आपका सैटरडे संडे ऑफ है, और एक सेकंड सैटरडे वर्किंग रहता है, आपको अगर वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो आपको वो भी देते हैं, और जैसे छुट्टियों के दिन काम करवाते हैं तो वो कॉम्प ऑफ भी मिलता है, तो मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल ही है अभी वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब है मतलब, और एनवायरनमेंट भी ठीक है, मतलब काफी फ्रेंडली है सब, और हम जैसे पार्टनर से भी, आपको जैसे बड़ी कंपनीज में पार्टनर से इतना इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम हाँ ये पार्टनर से बात भी तो पूरा इंटरेक्टिव बिल्कुल रहते हैं, और पार्टनर्स भी इनफैक्ट हमारे पास आके हमसे वो लेते हैं, जैसे अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन था उसमें पूरा फीडबैक लिया था कि आपको कुछ बिग सिक्स ही प्रॉब्लम्स है है आपका, ये पूरा आप बिग हमें सिक्स ये फॉर्म ही हो गया आपका, आई थिंक ग्रैंड होटन क्या या आपका आरएसएम ही है। ये इंटरनेशनली सिक्स्थ बिग कंपनी आरएसएम इंडिया, इसके ब्रांचेस भी है, होता मुंबई में भी है, है बैंगलोर ब्रांचेस। में भी है, और मुंबई का तो आई थिंक सबसे बड़ा ऑफिस है आरएसएम इंडिया का, मुंबई में काफी बड़ा ऑफिस है, तो बिग हाँ बिग सिक्स बिग सेवन में ही है, बीडी और आरएसएम का बस थोड़ा सा ही मतलब माइनर ही डिफरेंस हाँ है, आसपास ही है मतलब दोनों रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, तो मतलब अभी तक तो काफी सही चल रहा है, बाकी वर्क कल्चर वगैरह सब है, सबसे इंट्रैक्शन होता है, और बाकी सब बाकी और टीम से भी, जैसे आईडीटी टीम डी टीम सबसे भी इंट्रैक्शन होता है हमारा। इसकी जाना था, लाइक आप जैसे हम लोग को 1-to-1 कनेक्शंस है तो इतना जरूरी क्यों होता है, लाइक अदर प्रोग्राम्स आर आल्सो देयर जहाँ पर मैं बहुत सीएस होगा 500 600, या रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको आजकल मिल जाता है, मटेरियल भी मिल जाता है, वही 1-to-1 इज सो इम्पोर्टेंट। वही यू थिंक मॉक इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉक इंटरव्यूज भी हम लोग करवाते हैं, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस वगैरह, ये सब चीज जरूरी क्यों है एक सीए फ्रेशर के लिए? सर सीए फ्रेशर के लिए जरूरत है, जैसे कोई भी मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने खोल लिया, मैंने उसको देख लिया, पर सर बोलने की स्किल्स थोड़ी ना कोई रिकॉर्डेड वीडियो सिखा देगा, और हम जो सुनते हैं हम होते हैं, हम कभी भी इंटरव्यू के सामने ये है कि हमने पढ़ लिया, हमने रट भी लिया, चलो किसी ने वो बोल ही नहीं पाते सामने, मतलब कि बोल नहीं हाँ पाता ठीक है हमने याद कर लिया, उसने सामने से पूछा, हम फिर ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल ही, ब्लैंक। आप भी हुआ कुछ है ये, नहीं आप आता। हुआ है, आप तो आप भी चला गए थोड़ा सा, आप इंटेलिजेंट है, आप भी हुआ है, मैंने काफी देखा आपका आर्टिकल से भी अच्छा कई है, बार फिर भी जाते थे मतलब ठीक है पूरे मैं पॉइंट्स बोल देते थे, बट देखा कुछ है एक वो दो तो देखो मिस तो हो ऊपर ही जाते थे, 100% तो आप नहीं दे से एक पाते हो। हाँ नर्वसनेस भी रहता है इंटरव्यू में ऑलवेज, अब वो अगर तो उनसे रहता ही है, और हाँ तो उसके कारण भी लोगों भूल का जाते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू, अगर कोई फर्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा वो हो जाए मतलब शेड्यूल हो जाए, और फिर आप उसमें क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू सब बोलते हैं कि बहुत नर्वस, फिर वो ही खराब हो जाए, फिर रिग्रेट तो रहेगा ना कि फर्स्ट इंटरव्यू इतनी रिग्रेट बड़ी होता है ना। कंपनी। हाँ वही चीज है, अभी हम कैंपस वगैरह में देखते हैं भोजन टेंशन में रहता है, ऊपर से हम अभी तो कैंपस में कंपनीज भी सिलेक्ट बहुत अच्छा से कराता है, जैसे होता है ना अभी सब जन बिग फोर ही ले लेता है, हम बिग फोर कभी भी बोलता है कि डाइवर्सिफाई करके चलो, कि थोड़ा बिग फोर लो, थोड़ा ये लो बैंक लो, ऐसे करके, या तो आजकल लिंक नहीं आता कैंपस में, तो बहुत अनलकी होता है ना,
तो मेरे को कहीं ना कहीं पता है कि एक जन को बोला था IOCL लेने, IOCL लिया उसका लग गया, मेरे को बोला था वेदांता लो, कि सिलेक्शन बहुत मैटर करता है आजकल, हम कैंपस में सिलेक्शन में भी बहुत काम करता है। ये आप तो कैंपस का नहीं आए, पर हम जिस कैंपस में जो कंपनी सिलेक्ट करता है, जैसे एक मेरे पास था बिग फोर का आर्टिकल ही था, वो बिग फोर बिग सिक्स में था, वो 30 कंपनीज को आया और 30 कंपनी में चार कंपनी सिलेक्ट किया, चार या पांच कंपनी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरे को बाद में पूछता है कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, हम बोला तुम्हारा तुम्हारे में तुमने अपना कैपेबिलिटी से ऊपर कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया था, जहां पर कॉम्पिटिशन बहुत टाइट है, तो वहां पर लगना ऐसे ही मुश्किल हो गया था। तो कंपनीज जो सिलेक्ट करता है कैंपस में, आई थिंक वो बहुत मैटर कर जाता है, स्पेशली कैंपस इंटरव्यू में। भोजन क्या, तो सारा बिग फोर ही ले लेता है, अब सारा बिग फोर लिंक नहीं आया तो गया ना, लॉस हो गया, सारा ग्लोबल ले लिया, तो ये वो तो एक डाइवर्सिफाई करके नहीं चलता। हम इसमें भी हेल्प आजकल करने लग गया, हम स्टार्टिंग में हमको लगा था ये सब चीज जरूरी है, तो ऑफ कैंपस थोड़ा डिफिकल्ट होता है कॉल जनरेट करना किसी के लिए भी, क्योंकि आधा से ज्यादा जन डिमोटिवेट हो जाता है जल्दी से, एक दो बार कॉल नहीं आया, 2 दिन में नहीं आया, उसको हर 15 दिन में नौकरी चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये आप तो अगर है। 30 दिन में, आया पर आपका बहुत कॉल आया, आपका 30 डेज भी आया था, हाँ, अगर मुझे 30 डेज के काफी अंदर आपको कॉल्स आते 5 डेज हैं। काफी कॉल आया, और आपने देखा भी कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट है, पर शेयर भी कर देता है ना कॉन्टेक्ट वगैरह, कॉल का भी दिक्कत नहीं होता है, वो भी एक बड़ा बात है। अब जैसे करियर लिंक्डइन गाइडेंस, के थ्रू भी, हाँ बोलिए क्या बोलिए, लिंक्डइन क्या बोल रहे थे, कुछ बोलिए। के, लिंक्डइन के थ्रू भी काफी, मतलब आप हमें काफी करते हाँ, थे लिंक्डइन कि एक नौकरी प्रोसेस प्रोफाइल, पे आप कनेक्ट करिए जाके लिंक्डइन पे, तो मैं उनसे मतलब रेगुलर अपडेट्स लेती रहती थी कि आप प्लीज रेफर माय CV एंड ऑल। तो मतलब जैसे जैसे आपने बोला, मैंने सब फिर जगह जैसे कनेक्शन भी बता नौकरी दिए से कहाँ पर आपके है, नौकरी कांटेक्ट किए। डॉट कॉम नौकरी डॉट कॉम को पैसे बनाना है, उससे भी फर्क पड़ता है बहुत। सर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, मतलब आपको कब कहाँ से कॉल आएगा आप भी नहीं जानते, बस आप जैसे जैसे आप मेथड्स बताते जाते हो कि आप ये फॉलो करो, आप वो सब फॉलो करो, फिर आपको कब कहाँ से कॉल आएगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी एकदम ही आ जाएगी, तो वो चीज आपको थोड़ा पेशेंस जरूर रखना पड़ता है। ये है कि एकदम से कुछ नहीं पेशेंस होगा, थोड़ा पेशेंस एकदम, जरूर। पेशेंस भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, हर दिन आपको प्रिपेयर भी करना है, ये नहीं कि अप्लाई कर लिया और प्रिपेयर नहीं किया, दोनों चीज मेरे हिसाब से जरूरी है, एक बैलेंस आपको, तो प्रिपेयर भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है और अप्लाई भी करते जाना है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्योंकि करियर आप गाइडेंस, राइट आपको क्या लगा करियर गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बहुत सीए फ्रेशर होता है तो उसको पता नहीं कहाँ पर जाना है, एवरीबडी हैज देयर गोल्स, लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, एवरीथिंग दे हैव ओके इन माइंड, बट वो लोग जो जॉब प्रोफाइल सिलेक्ट करता है उसका जॉब का जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल से हटके ले लेता है, तो उसको पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना है। मैंने देखा वो जो प्रैक्टिस में जाना है पर वो कुछ और ही कर लेता है, जहाँ पर उसको कोई गोल से लेना देना नहीं हो, तो वहां पर भी हम हेल्प करते हैं, वहां पर कैसे हेल्प करते हैं। सर होता है, जैसे कोई भी अगर CA बना तो अब उसका मेन है कि कई बार क्लैरिटी नहीं होती उसको, है कि कोई भी जॉब लग जाए, अब कहीं भी लग जाए, कर वो लग होता जाए है। अब जैसे उसे जान जैसे है सबका बिग फोर जाना है, बट किसी की नहीं लग रही है अनफॉर्चुनेटली, बट बैंक में राइट, लग गई, तो वो एक बार के लिए ज्वाइन कर लेंगे, बट फिर उनको मजा नहीं आता कि ग्रोथ रिग्रेट, नहीं है, बट फिर वही है कि फिर 6 मंथ स्विच, फिर वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। वो जो सीए बॉन्ड आप भी शुरू साइन कर में लेता है, बॉन्ड वाला जॉब वही ज्वाइन कर लेता है, 2-3 साल का बॉन्ड होता है उधर में, वो बहुत डेंजरस होता है, जो बॉन्ड बॉन्ड साइन कर लिया छोड़ ही नहीं वही सकता, फिर वो भी है, ग्रोथ है भी नहीं है, कि बॉन्ड भी मजा साइन कर ही नहीं लिया। आता, वही है। तो मतलब थोड़ा पेशेंस रख के एक आप करियर गाइडेंस की आपको किसमें इंटरेस्ट है उसमें आप लगवाते हो, ताकि उनका भी लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि आप स्विच इजीली नहीं, 6 मंथ्स बाद फिर स्विच करना थोड़ा और मुश्किल डिफिकल्ट होता हो है। डिफिकल्ट तो होता है। हाँ भाई ये तो करियर गाइडेंस बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने मेनली देखा है CA फ्रेशर चाहते कुछ और है और फिर ज्वाइन कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं मिला, बट जॉब तो अब करनी है क्योंकि दूसरे लोगों सबकी जॉब लग रही है, फिर हाँ वो देख के हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव कि मेरे दोस्त की लग गई, यहाँ पे मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब एक ही अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या ज्वाइन कर लूं, तो फिर वो लास्ट में कर ही लेता है ज्वाइन की, ठीक है चलो कुछ ना अर्निंग तो स्टार्ट होगी, कहीं तो कुछ स्टार्ट होगा, तो एक वो हाँ चीज जरूर रहती है, फिर बाद में मजा नहीं आता, फिर स्विच ये करने का वो रहता है, ग्रोथ ही नहीं है कुछ, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इस काम में, तो फिर वो थोड़ा इम्पोर्टेंट वो इशू होता है। हाँ वही एक सबसे बड़ा इशू है, तो ये हम करियर गाइडेंस, हम पहला चीज ये करियर गाइडेंस को पूछ लेते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल क्या है, वो जरूरी है, अगर वो पता होगा तो लोग गलती भी कम करेगा, एंड दैट विल रियली हेल्प टू हिम टू गेट इनटू अ गुड जॉब, एंड वही चीज है, तो हम पूछ लेते हैं। और मेरा हमेशा ये है उसका उसका अगर कैपेबिलिटी अगर अच्छा है, मतलब आर्टिकल सी अच्छा करके रखा है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो हम कोशिश हमेशा करते हैं कि उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब लगाए, मतलब चाहे वो कोई भी हो, शॉर्ट लिस्टिंग में भी, इवन हम कैंपस में जैसे शॉर्ट लिस्टिंग होता है ना भोजन गलत,
जो सीटीसी जो सिलेक्ट करना होता है, इवन ईच एंड एवरी पैरामीटर में काम करता है, जो शॉर्ट लिस्टिंग अच्छा कंपनीज आया निकल के, उनका लोकेशन है, तो उसमें हम लोग पूरा ध्यान देता है कि उसको अच्छा से अच्छा मतलब जॉब मिले मार्केट में। हाँ डेफिनेटली सम ऑफ देम आर अनलकी, बट द थिंग इज दैट हाँ लक तो डेफिनेटली काम करते हैं, बट जनरली सबका हो जाता है। इनफैक्ट इस बार 99 चार्टर्ड अकाउंटेंट लास्ट 35 डेज हैव क्लियर इंटरव्यूज अभी तक जो मेरे पास है रिकॉर्ड। एक आदमी ने मल्टीपल इंटरव्यूज क्लियर किया, इट्स नॉट लाइक वन, द 4 to 5 इंटरव्यूज क्लियर की है, और मोस्ट ऑफ देम का आर्टिकल भी नहीं करके रखा था स्टैट इंटरनल ऑडिट में, इंग्लिश तक खराब था कोई कोई का, मतलब मुंह में बोला ही नहीं होगा लाइफ में। तो वैसे वैसे लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बस जनरली बहुत जगह में क्या था ऑलरेडी वो केपेबल होता है, पकड़ा दिया वो थोड़ा सा फिर भी है, बट जहां पर मैं क्या है ऑलरेडी आर्टिकल शिप नहीं करके रखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल खराब है, इंग्लिश में बात नहीं किया, वहां पर मैं काफी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर भी हम अभी कोशिश करके करवाते हैं, जैसे हम एक मेंटी को एक मेंटी दे दिया वैसे करके, उसका मान के चलिए वो नॉर्थ से है उसको हिंदी नहीं आता, तो साउथ वाला को इंग्लिश थोड़ा अच्छा आता है, तो मिला जुला कर वो लोग का इंग्लिश सही करवा देते हैं, सब चीज करवा के, तो उसको क्योंकि हिंदी नहीं आता उसको इंग्लिश नहीं समझ आता है, तो ऐसे करके मिक्स एंड मैच करके उसका इंग्लिश अपने आप ही इंप्रूव हो जाता है। उससे हम स्ट्रेटेजी लगाया था, तो वो भी एक ज्यादा करके जैसे हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है बहुत, आपको पता नहीं है सीए, मोस्ट ऑफ द सीए का इंग्लिश बहुत खराब होता है, लिखने के टाइम ये तो अलग होता है है बोल। हाँ, तो वो भी हम एक बहुत पर उसमें काम करते हैं कि ये वाला चीज है कि इंग्लिश के कारण इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, फिर अल्टीमेटली वहां पर इंग्लिश में जवाब देना है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ उसका भी हम लोग करें। भोजन को क्या तो भूलने का आदत नहीं होता है इंग्लिश मीडियम से हाँ भी है ये सब तो कुछ, पर इंग्लिश में बोलने का टाइम में नहीं बोल पा रहा है वो, क्योंकि वो बोला नहीं कभी। और एक और सबसे तीसरा प्रॉब्लम मेरे को लगा मेमोरी का प्रॉब्लम होता है भोजन का, मेमोरी मतलब उसको सामान भी दे देगा ना, दे भी देगा, उसको याद नहीं होता वो, मे बी उसको ये अंडरस्टैंडिंग का वॉकिंग प्रॉब्लम है। टाइम तो होगा। हाँ, पहले उसको पढ़ता है फिर रिकॉर्ड करता है फिर पढ़ता है फिर उसके बाद आता है, तो अलग अलग प्रॉब्लम रहता है, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पा रहा है वो, तो हर इंसान का अलग अलग प्रॉब्लम है, तो पहले हमको समझना पड़ता है उसका प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। तो 1 to 1 जब हम बात करते हैं किसी से, देखिए 500 का भीड़ में हमको पता नहीं चलेगा कि आपका क्या वीकनेस है उसका क्या वीकनेस है, पर एक एक करके हम पर बात करते हैं तो मेरे को पता चल जाता है कि साक्षी का ये स्ट्रेंथ है ये वीकनेस है, और मेरे को पता है ये एक लड़की है मोनिका उसका ये स्ट्रेंथ है ये वीकनेस है, तो बस अब हमको पता चल गया दोनों को मिलाना है, दैट इज द बेनिफिट, ये मेरा काम हो जाता है, मेरे को पता चल गया उसका टेस्ट करके इसका इंग्लिश खराब है इसका इंग्लिश अच्छा है, इसका मेमोरी खराब है इसका मेमोरी अच्छा है, कुछ ना कुछ तो खराब होगा, कोई को स्टैट आता है कोई को इंटरनल आता है कोई को हाँ ये टैक्सेस तो है, कोई को टैक्सेशन आता है किसको ये आता है, जिसको सबके स्टैट आता है स्टैट को लगाता है, इंटरनल लगाता है, टैक्स को टैक्स लगाता है, तो ऐसे करके मतलब एक्सपीरियंस मैच हो जाता है, तो मेरे को एग्जैक्टली डेटा बेस है कि किसका क्या खराब है और किसका क्या अच्छा है, तो जिसका अच्छा है उसको दोनों को मिला देते तो जल्दी काम हो जाता है उससे, ये कारण से 1 to 1 में हमेशा विश्वास रखते हैं, 1 to 1 में मेरे को पता चल जाता है तो स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, अकॉर्डिंगली हम उस स्ट्रेंथ के हिसाब से फिर उसको पैरामीटर, भोजन क्या होता है तो 4 अटेम्प्ट है, उसके कॉल आता है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला रैंक होल्डर वाला डोजर बैंक से आ गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अब वो जाके टाइम पास कर लेता है उधर जाके, हम रोक हम बोल सकते हैं ना यहाँ पर मैं आपका टाइम पास होके आएगा, कॉल आने से नहीं होता ना तो ये सब चीज हम अटेम्प्ट के हिसाब से एबिलिटी स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हुए हम बता पाएगा कि उसका क्या है, क्योंकि तो वो भी एक इजी हो जाता है किसी के लिए, इसलिए मेरे को 1 to 1 मेरे को हम स्टार्टिंग से 1 to 1 में ज्यादा किया, वेली इसमें टाइम ज्यादा लगता है पर ये इफेक्टिव ज्यादा होता है, और अगर इफेक्टिव नहीं है तो बेकार है इफेक्टिव होना अल्टीमेटली जरूरी है, मेरे को वही लगा। अब एक चीज लास्ट में वही बोलना चाहेगा सीए फ्रेशर को क्या बोलना चाहेगा, क्या क्या गलती जनरली वो करता है, लाइक आपने भी गलती किया होगा, व्हाट द मिस्टेक दैट एनी सीए फ्रेशर डज। तो पहले तो सीए फ्रेशर, एक तो पहले सबसे पहले पेशेंस मैं करूंगी कि दूसरों को देखकर कि उनकी इतनी अच्छी मेरी नहीं लग रही है, तो मतलब वो डिसहार्टन नहीं हो रहा और कुछ रॉन्ग स्टेप नहीं उठाना है, क्योंकि फर्स्ट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने फर्स्ट जॉब अगर राइट डायरेक्शन में ले ली है तो आपका मतलब आगे का करियर थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट जॉब ही गलत ले ली तो फिर वो आगे आप स्विच करते रहो, फिर वो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो वो थोड़ा क्या फर्स्ट स्टेप ही थोड़ा सोच समझ के लीजिए पहला। और आप जो 1 to 1 सेशंस और आपको रेगुलर प्रिपरेशन वो जरूर करते रहिए, क्योंकि आज आपने अप्लाई किया, हो सकता है आपको कल ही कॉल आ जाए, तो यूं बैठे नहीं रहना है सीए फ्रेशर्स को कि आएगा जब देखेंगे, वो नहीं होता है, वो फर्स्ट एंड लास्ट चांस ही होता है। तो एक आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिए और जैसा जैसा आप बोलते जा रहे हो उनको फॉलो करते रहिए, ताकि फॉर गुड रिजल्ट्स। तो एक ये है सीए फ्रेशर्स के लिए, और बस यही है।
बस यही है, मैंने बस यही गलती करी थी कि शुरू से ही ज्वाइन नहीं किया कुछ, मतलब बस शुरू से अप्लाई किया। अब जैसे एक दो बड़ी कंपनीज के अब इनके इंटरव्यूज खराब हो गए, तो वो बड़ी कंपनीज में तो लग गया 6 महीने का कूलिंग ऑफ। अब एक तो लगता है हम चार्टर्ड कुछ कर अकाउंटेंट भी का नहीं सेक्शन सकते। जो बनता है ना, आपका पता नहीं आपका अटेम्प्ट कितना था, ऐसे 3 आपका अटेम्प्ट कितना था, आपका अटेम्प्ट मैंने मेरे दो, दो, तो मतलब मैंने जिस एक एक फेस ग्रुप आप दिया नहीं, फर्स्ट। एक चीज आप मानते हैं, हम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में होता है जनरली यहाँ पर, मैं मल्टीपल अटेम्प्ट वाला उसको पता है प्रेशर में है, उसको लगता भी आपको पता नहीं आपके साथ हुआ था, सो लगता है दरकारी किया ही है, ये भी एक होता है, मेरे को तो था दरकारी क्या है, हम लोग को तो आते ही है, हो जाएगा, होता है नहीं क्या, अच्छा ये होता हाँ है, हाँ ये होता है, ये होता है, फर्स्ट टाइम ज्यादा होता है कि हो होता है, जाएगा, हाँ ट्राई करके क्योंकि देखते हैं। अभी शुरू में एक रैंक होल्डर कॉन्फिडेंस था रहता है, एयर पर 30, हम आपको बता रहे हैं ना, रैंक होल्डर था एयर 33, 4 कंपनी नहीं लिया, 4 कंपनी है, 4 कंपनी नहीं लिया, बैडली रिजेक्ट हुआ, बैडली रिजेक्ट, बात समझ रहे हैं ये ना। होता है। अब वहां पर अच्छा अच्छा पैकेज था, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, अब प्रिपेयर कर लेता अच्छा से, 20-25 लाख रुपए आने में कितना फर्क पड़ता, पर प्रिपेयर नहीं करने आने से बहुत फर्क पड़ जाता है। बड़ा बड़ा इंटरव्यूज है ना, देखिए सीए करिकुलम ये सब नहीं सिखाता है ना सीए करिकुलम कहाँ सिखाता है, वो तो आपको करिकुलम, आपको ये भी भाई नहीं बताता कि आपको कहाँ जाना है, वो भी नहीं बताता है, वो खाली सब्जेक्ट दे दिया आपको, आर्ट आर्टिकलशिप का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट का आर्टिकलशिप से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है, अभी भी हम देख तो रहे हैं नहीं भाई मेरा, तो आर्टिकलशिप अलग चीज है, करिकुलम अलग है, कम्युनिकेशन का कोई क्लास नहीं है, जीएम से कैसे ही होता है, तो कुछ कुछ है नहीं, पर मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर कोई काम नहीं है, इंग्लिश के ऊपर कोई काम नहीं है, तो अभी भी अगर वो सोच रहा है कि बस बन गया, बस हो जाएगा, बैठ जाएगा, तब उसको बहुत दिक्कत हो जाएगा। स्पेशली वेयर देयर आर सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अराउंड 25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट साल में निकलता है इंडिया में, दिस इज अ बिग नंबर एक्चुअली, पहले का जमाने में 15,000 यस निकलता, कोई 20-25,000 निकलता है, yes. वैकेंसी जितना है नहीं मार्केट के कारण, तो इट इज वेरी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट कि कॉम्पिटिटिव रहना बहुत जरूरी है, स्किल बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, इसलिए मेरे को लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर भी है पहले का जमाने में हम लोग इसी इसी क्वेश्चन निकाल के दे देता था, आजकल सीए फ्रेशर को जो पूछता है वो असिस्टेंट मैनेजर को पूछता है जो लेवल ऑफ ये तो है, डिफिकल्ट कुछ भी हार्ड इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चंस के डिफिकल्ट है, बनते स्पेशली अगर इंडिया का प्रोफाइल में बोलूँ तो हैं। इतना डीप जाएगा क्वेश्चन का ग्रिल, इतना डीप करेगा कि सीए फ्रेशर के लिए पॉसिबल ही नहीं है उसे आंसर करना, पर ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कंपटीशन कम, वैकेंसीज कम है, सीए ज्यादा है, तो हाँ दैट इज और वाई दे आर ऑल्सो क्या, मेकिंग श्योर कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन को हायर किया जाए, एंड दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट, एंड आपका मान के चलिए आप आर्टिकलशिप कैसा किया मेरे को पता नहीं, पर जनरली आर्टिकलशिप अच्छा नहीं होता है, जनरली अगर टॉप 20 सीए फर्म बिग फोर का हटा दिया जाए, टेट ऑडिट इंटरनल ऑडिट होता ही नहीं है, कुछ कुछ जगह में इंटरनल ऑडिट मैंने देखा कोई करके नहीं आता है, स्टेट मोटा छोटा मोटा कंपनी का करके आया, लिस्टेड क्लाइंट कोई करता ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा एक्सपीरियंस, इंडियस का काम कोई जानता ही नहीं है, टैक्सेशन था बहुत, आईटी रिटर्न फाइल होता है, थोड़ा बहुत जीएसटी रिटर्न देखा होगा वो दोस्त को भरते हुए या पीएफ रिटर्न, तो यहाँ पर कोई सर एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। सर वही है, जैसे अब मैंने मिडसाइज जयपुर से करी है, और दिल्ली की जो कोई भी फर्म्स आप ले लीजिए, उनका वर्क बहुत अलग होता है, बिग फोर्स का बहुत अलग होता है। और होता जो मैंने जयपुर में करी है, मतलब टेस्टिंग ही अलग हो जाती है, वो लोग कुछ और जैसे हाई को टेस्ट करते हैं, या जैसे मिडसाइज फर्म में अलग, तो फिर वही गैप आ जाता है थोड़ा, तो कि इतना इतना ऐसा काम नहीं करके आए कि जो बिग फोर्स में होता होगा या टॉप फर्म्स में होता होगा, जिस लेवल का वर्क वो लोग करते हैं, जितने वर्क पेपर्स वो डिमांड करते है, हैं, और ये जो मिड हाँ, साइज आर्टिकल और जो लेवल पे बोलते हैं कि, किया। और एक चीज गलत भी बात है कि सीए फ्रेशर से पूछेगा नहीं वो लोगों, वो लोग लगेंगे वो फ्रेशर का ट्रीट करेगा तो कुछ नहीं पूछेगा, तुमको नहीं आता है तो बाबू हम सिखा देगा आपको काम, बिकॉर में आप ही काम किया, कोई नहीं सिखाता है, सिखाता है कोई, सिखाते आई तो डोंट कुछ थिंक नहीं है, आपको बस क्लाइंट दे देते हैं, आप फिर सो, पूछ के सब आप खुद कर लीजिए, आप वो आप चीज पेपर दे है। देते हैं लास्ट ईयर का, देखो आप तो सीए है, आपको तो हाँ आर्टिकल, जनरली हम तो देखा हाँ है ज्यादा भाई करके, हम जो बोलना नहीं चाहते हैं, पर मैंने जो देखा है वो जो सीए फ्रेशर जो बिग फोर ज्वाइन करता है वो आर्टिकल को खोजता है, तो उसको सीनियर तो कोई सिखाएगा नहीं कुछ, तो वो पता नहीं है कितना सच है, पर वो अपना आर्टिकल को खोजेगा कोई और उससे पूछेगा तो थोड़ा थोड़ा सिखा दे हमको, थोड़ा थोड़ा होता है कि नहीं होता है पता नहीं हमको, ये ये आर्टिकल तो होता ही है सिखाता सर, कोई भी है, आर्टिकल आर्टिकल सॉफ्टवेयर सिखाता है, है आप। हाँ सॉफ्टवेयर ये तो नहीं, है कि वर्क पेपर बनाना, सॉफ्टवेयर हो रही है, हाँ वर्क वर्क पेपर बोल रहा हूँ, वर्क पेपर बनाना आर्टिकल सिखाता है सीए फ्रेशर को, क्योंकि वो तो आर्टिकल जो होता है ना बिग फोर का 3 साल करके, उसको ज्यादा नॉलेज होता है सीए फ्रेशर से, जो छोटा फॉर्म से निकल के आता है, तो वही उसको सिखाता है मोस्ट ऑफ द केसेस कि नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे करके देखा है,
आर्टिकल तो 3 साल तगड़ा हो जाता है ओवर काम करके, तो वो भी एक चीज है, तो वही एक प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसे मैनेजर देख लिया कि तुम आर्टिकल से सीख रहे हो काम, तो वहां पर प्रॉब्लम आ गया, और प्रॉब्लम आ गई। हर कोई ज्यादा फास्ट लर्नर नहीं होता ना, उसको टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए। जो जो नया नया घुसता है बिग फोर में, उसको काफी दिक्कत आता है। कोई मेरे को काफी जन आता है कि सर कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं, क्यों सिखाएगा तुमको बैठ के, लोग पैसा भी देगा सिखाएगा, दोनों काम दोनों होता है। कोई सिखाता नहीं है, कोई सिखाता नहीं, वो लोग अब सीए बन गया, इसका मतलब वो लोग इम्प्लाइड है कि आपको पहले से आना चाहिए काम, आपको नहीं आता हाँ तो ये आपका तो है। गलती है। दैट इज द थिंग। मेरे को नहीं लगता कोई सिखाता है जल्दी से। कुछ कुछ लोग आया, मतलब आपको सिखा दिया, आपको बहुत अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, आपको कोई सिखाया तो जल्दी से नहीं सिखाता कोई भी, डिपेंड्स बता ऑन देगा पीपल टू पीपल बता देगा डिपेंड्स। बताएगा हाँ बताएगा सिखाएगा नहीं, हाँ बता देगा बता ऐसे ऐसे देंगे कर। हाँ, वो भी सर ऊपर से ही बताएंगे, कोई इन डेप्थ थोड़ी ना बता देगा कि नहीं बिगिनिंग बताएगा से आपको क्या करना है, वो ऊपर ऊपर जिसमें से आप बता हमें देंगे सिखा आप देते हैं, यहाँ पर देखो। पूरा वर्क पेपर वगैरह बना बना के मोटा मोटा सिखा देते हैं, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा तो दिक्कत होगा, ऐसे करके कर लिया, सिखाता नहीं, ऊपर से सिखाता भी नहीं है, डेडलाइन भी बहुत फास्ट है ना। अब तो अभी तो जो घुसता है स्टैट या इंटरनल ऑडिट में, तो डेडलाइन इतना है कि कल आज घुसा, इंडक्शन हुआ नहीं, क्लाइंट दे दिया उसको हाँ ये इंडक्शन तो से है तुम्हारा ही। क्लाइंट है, क्लाइंट से क्लाइंट है, ये डेडलाइन है, ये एक हफ्ता में कंप्लीट करके देना है, तो उसको तो टाइम ही नहीं मिला सीखने का, तो उतना तो उसको सीखने का टाइम मिला, डेडलाइन पे डेडलाइन, इसलिए बहुत जन सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाता है कि डेडलाइन भी दे रहा है और काम भी नहीं आ रहा है, और फिर प्रेशर भी है, प्रोबेशन पीरियड है, जॉब सिक्योरिटी के पीछे लफड़ा तो ही जाता है कहीं ना कहीं, अगर तुम कोप अप नहीं कर पाएगा तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। इसलिए मानना है कि इंटरव्यू भी क्लियर करते तो आना भी चाहिए थोड़ा बहुत काम, एटलीस्ट तुमको मोटा मोटी नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है काम, नहीं तो अचानक से कोई हेल्प नहीं करेगा, तुमको दिखेगा क्या हम कहाँ फंस गया, आके आर्टिकल सिर्फ अच्छा था कि कहाँ फंस गए हम लोग, कितना बार क्या होता ना कोई को अच्छा चीज मिल जाता ना स्टार्टिंग में, उसको इज्जत नहीं करते वो ये तो है ही। ये भी है, तो वो चीज है, इसलिए लेट से मिलता तो मेरे को लगता है ज्यादा इज्जत करता है कोई भी इंसान, तो उसको लगे कहाँ फंस गए कहाँ कहाँ फंस गए, इसलिए मैं बोला हूँ कि आपको पहले से आना बहुत जरूरी, कोई नहीं सिखाने वाला है। मैंने ये चीज आई थिंक मैंने जब प्रेशर था तो हम भी ये चीज एक सीखा था कि कोई किसी को नहीं सिखाता है सीए बनने का, तो एटलीस्ट नहीं, और तुम्हारा पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको आर्टिकल को काम उल्टा सिखाना है, और आर्टिकल अगर जबरदस्त है बिग फोर का तो तुम क्या ही सिखाएगा उसको हमें सिखाना सिखाएगा, तो वो एक प्रेशर रहता है हमेशा ही कि आपको दूसरा को सिखाना है, जबकि वहां पर में आपको सीखने का है सबसे बड़ा, वो एक प्रेशर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जितना हो सके जो भी सीए प्रेशर है काम सीखने में भी ध्यान दीजिए, साथ ही साथ अप्लाई करिए, और जॉब तो लगी जाएगा, जैसे आजाक्षी ने बोला 4 महीना, मेरे को लगता है 4 महीना लगता है किसी को जॉब हाँ लगने में। जॉब तो सबका लग, मतलब हर साल सीए फ्रेशर्स निकलते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसकी नहीं लगती है, सबकी लग ही जाती है। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं नहीं है है सब पता नहीं, मैं मतलब अब सर आप उसमें हो अब इतना आपको तो मुझे भी नहीं है बोला, नॉलेज, बट मैंने जैसे फर्स्ट मेरे अटेम्प्ट वाला फ्रेंड को देखा है, मैं आपको बोलूँ फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड सेकंड अटेम्प्ट वाला का देखा, इसका 10 10 15 15 महीना तक नहीं लगा है जॉब। इनफैक्ट ऐसा भी देखा है जिसने ना स्टार्टिंग में ना बिग फोर या बैंक का नौकरी को या कोई भी एक पर्टिकुलर नौकरी को रिजेक्ट कर दिया था, और अभी तक वो 18 18 महीना 16 16 महीना मतलब काम नहीं हम देखिए सीए फर्म में जॉब लगने को काम नहीं बोलते, मतलब वो अपने लोकैलिटी में कोई सीए फर्म 20 30 25 हजार रुपए दे दिया, उसको हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनता है, वो तो तुमको ऐसे ही मिल जाता बिना सीए किए, तो उसको हाँ हम वो तो गिनता नहीं है सेमी क्योंकि क्वालिफाइड को ही मेरे पास मिल बहुत जाता आता है है ना, इतना। गुजरात से है, सेकेंड अटेम्प्ट सीए, हमको 25 हजार रुपये मिल रहा है, मतलब क्या बात है भाई, 25 हजार तो तुम कैसे कमा लेता, तो ये क्या कर रहा है, तो वही हाँ चीज है, वो उसको तो है। उसको हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनता है, उसको एक इंग्लिश में टर्म बोलता है इकोनॉमिक्स में, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनता है। बाकी अगर आपको अच्छा जॉब नहीं मिल, आपको मन से कम 50 60 हजार रुपए नहीं मिल रहा है सीए बन के, तो फिर क्या फायदा हुआ सीए इतना 5 साल एक्सपीरियंस लगा के, तो दैट इज वाइट मेरा तो यही डिफरेंस, कम से कम 50 60 तो होना चाहिए, कम बेसी नहीं हाँ होना ये चाहिए, तो तो है। हाँ, तो वो एक इसलिए मेरे को लगा काम काम ये जो अभी आपने जैसे बोला ये भोजन का कि मिल तो जाएगा, ये नहीं हो रहा है आजकल, स्पेशली आजकल थोड़ा वही है थोड़ा ना, मेरे डिफिकल्ट तो हो रहा है। कितने जितना मैं नोन में जानती हूँ फ्रेंड्स अब सबकी उनकी तो लग गई, तो अब मेरा तो जैसे इतना बड़ा नेटवर्क है नहीं, आपका है हाँ, तो आप ज्यादा जिसको कनेक्टेड एकदम है नहीं आता ना काम, जिसको वो। आर्टिकल से एकदम बेकार किया है और कुछ भी नहीं किया है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, उसको काफी दिक्कत आ सकता है, ये बात एकदम वो हो जाता है वो, और वो एकदम शांति से बैठ गया 6 महीना तो फिर दिक्कत है, बैठ गया ना शांति से तब तो गया कोई कोई बैठ जाता है, हाँ गोवा ये चल गया, तो इधर है। घूमने चल गया, इधर चल गया, तब दिक्कत है हाँ उसको, ये चीज है, भोजन है, वैष्णो देवी चल गया घूमने, इधर चल गया 6 महीना घूम के आ जाते हैं, ऐसे तब उनको दिक्कत है, तब उसको बहुत दिक्कत, और पहला ही 6 महीना भी ज्यादा करके वैकेंसी रहता है ना, हर 6 महीना में आप देखना सीए फ्रेशर का ही वैकेंसी आता है, एक्सपीरियंस का कहाँ आता है,
सीए फ्रेशर वैकेंसी, सीए फ्रेशर वैकेंसी, हर कोई सीए फ्रेशर को हाँ हेल्प हाँ करता है, एक्सपीरियंस को कौन हेल्प करता है? कोई हम तो एक्सपीरियंस आज तक को तो कोई ग्रुप नहीं। बना के कि सीए एक्सपीरियंस का वैकेंसी निकालते हैं उसका हेल्प करते हैं, नोबडी एल्स, दैट इज इट। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, आई थिंक ये मीटिंग भी अच्छा थैंक यू हुआ, सो थैंक मच यू सो मुझे मच, भी थैंक यू सो मच। अपना एक्सपीरियंस शेयर करके अच्छा लगा कि इस एक्सपीरियंस से मतलब कि हेल्प हो जाए किस, तो वो ठीक मेरे है, लिए भी अच्छा ही होगा। ओके थैंक यू थैंक सो मच। यू सो मच सर।